नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। नवगठित मऊगंज जिले में प्रशासनिक कामकाज बुधवार से विधिवत शुरू हो गया है। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने बुधवार सुबह देवतालाब मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को जलाभिषेक किया और नए जिले की तरक्की की कामना की। उन्होंने देवतालाब मेला परिसर का भ्रमण किया और अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। मेला परिसर में सफाई और अन्य सुविधाओं को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। अधिकारियों से कहा कि अधिमास और सावन के महीने में अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए उसके अनुसार सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं। मंदिर में जिस तरह से भीड़ आती है उसके अनुरूप प्रबंधन नहीं है। श्रद्धालुओं को एक तरफ से आने और दूसरी तरफ से जाने की व्यवस्था बनाएं। वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह बांस बल्ली लगाकर व्यवस्थाएं बनाएं। साथ ही कहा कि परिसर में सीसीटीवी कैमरा और अनाउंस सिस्टम का दायरा बढ़ाया जाए। देवतालाब मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए चल रहे कार्यों के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेकर अधिकारियों से पहुंचने को कहा है। मंदिर आए कुछ श्रद्धालुओं से भी कलेक्टर ने चर्चा की है। दोपहर बाद कलेक्टर जैसे ही देवतालाब क्षेत्र से वापस लौटे अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सीधे काम की बात हो, परिचय धीरे धीरे सभी से हो जाएगा। ड्यूटी में समय सीमा का ध्यान रखने की बात करते हुए कहा कि सभी विभागों में कामकाज निर्धारित समय पर शुरू हो, इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को पहले पहुंचना होगा। शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो और हितग्राही को लाभ मिले, यह तय करने की जवाबदेही विभाग प्रमुख की होगी। जनपद स्तर के अधिकारियों से कहा कि उन्हें अब मिशन मोड पर काम करना होगा। सामूहिक बैठक के बाद विभाग प्रमुखों से भी अलग से मिले और परिचय प्राप्त किया। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के साथ एसडीएम बीके पांडे व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि अधिकांश अधिकारी रीवा में रहते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। कुछ तो हर दिन रीवा से मऊगंज जाते हैं। कौन अधिकारी कर्मचारी कहाँ निवास करता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी सेवाएं जनता को पूरी तरह मिलना चाहिए। हमें जरूरत सुबह 8 बजे की होगी तो यहाँ उपस्थित रहना होगा। काम की शैली बदलने की जरूरत है। अधिकारी कर्मचारी यह मानकर चलें कि अब वह नए जिले में काम कर रहे हैं। नगरीय निकायों में अभियान चलाकर सफाई कराई जाए। कलेक्टर ने कहा कि वह स्वयं सफाई व्यवस्थाओं को देखने मौके पर पहुंचेंगे। अब उसको सर पहले कैसा करते थे उस समय क्यों था साहब? सर मैं ये वो किया था कि इसका वो बैरिकेडिंग करवा दें। मतलब पूरा कि भाई कुंड यहाँ पर है, यहाँ पर उससे देख के कुछ स्नान कर सकते हैं। उस समय भी अपन बताए थे कि इसको बनवाना है बैरिकेडिंग। क्यों बोले लकड़ियाँ नहीं हमारे पास, सभी के पास होना चाहिए। एक एक किसी आदमी को वो हाथ से ही ड्रॉ कर ले कागज में, ये मुख्य मंदिर हो गया, ये कितनी दूर लगभग यहाँ पर कुंभ हो गया, यहाँ घुमाने का रास्ता है, ये कैसे घुमा के उससे समझ में आएगा कि पटवारी कौन है सर। एक पूरा जो परिसर है सर, इसका नगरी नक्शा बनाओ, स्पेसियस हो, ये सारी चीज़ें दिखा दी गई है सर। जी जी, बड़ा सा बना ना क्लब सर। जी जी, कौन से लोग आ सकते हैं और वहाँ से जो है बाहर अभी एंट्री कहाँ कहाँ से है सर, और निकलने का रास्ता कहाँ से है, और एरो भी ये भी बताना कि आदमी आता है तो किधर से आता है सर। आपके पहले कुंड में आता है, कुंड में फिर जल भरता है सर, यहाँ से निकल के वो उधर जाता है, इधर से जाता है और फिर इसमें आता है, कहाँ से जाता है, उसके बाद क्यों आता है बाहर तक भी इधर मेला मेला क्षेत्र एरिया है।
बहुत तकलीफ भी सुन गूगल मैप भी पूरे एरिया का आ जाएगा। यहाँ भी ये है जो भी आते हैं तो रोड बनाते हैं फिर यहाँ खाते हैं जी हाँ सिस्टमेटिक अपने को सर क्योंकि जो आदमी खाना बनाने बैठ गया वो गड़बड़ी नहीं करेगा जी। हाँ हाँ